कभी कभी हमारे बच्चे हमें कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल देते हैं ना। जैसे कभी ज़िद करते हैं कि मम्मा मेरे फ्रेंड के पास पबजी गन है न्यू, आप पापा से बोलो ना मुझे प्लीज़ दिला दें एक नया पबजी गन, मैं फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कभी हर संडे को गेम पार्लर में एक और गेम खिला दो ना प्लीज़, अभी मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे घर बिल्कुल नहीं जाना है, हरगिज़ नहीं जाना है, और ये कह के वहीं पर पसर जाते हैं। कभी अपने फ्रेंड्स का के साथ गैजेट्स का कंपैरिजन, मुझे तो नया मोबाइल आपने कब से नहीं दिलाया है, उसका नया वर्जन है मेरे फ्रेंड के पास, प्लीज़ मुझे भी नया मोबाइल दिला दीजिए ना मम्मा, प्लीज़ पापा से कहो। और कभी आप तो हमें कभी लेट नाइट पार्टीज़ में जाने ही नहीं देते, हमारे सारे फ्रेंड्स आते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जाता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कभी मुझे भी जाने दो ना मम्मा प्लीज़। आपके बच्चे भी ऐसा ज़रूर करते होंगे है ना, पर फिर आप क्या करते हैं? या तो हम उनकी ज़िद के आगे घुटने टेक कर उनकी सारी बातें मानने लग जाते हैं, या तो फिर उन्हें बहुत हार्ड रिएक्शंस देते हैं, जैसे कि डांट दिया या थप्पड़ मार के चुप करा दिया, या फिर कभी कभी हम उनके साथ ही बिजनेस करने लग जाते हैं, बार्गनिंग। अब तुम अगर एग्ज़ाम्स में 90% मार्क्स लाए तो ज़रूर तुम्हारी ये ज़िद पूरी होगी, नया मोबाइल दिला देंगे, लेट नाइट पार्टीज़ में जाने देंगे, वगैरह वगैरह। या फिर कभी हम उनके साथ कंपैरिजंस करने लगते हैं दूसरे बच्चों के, जैसे मिस्टर सो एंड सो का बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा 90% से ज़्यादा मार्क्स लाता है, तभी तो उसके पेरेंट्स उसकी सारी ज़िद पूरी करते हैं, और तुम? तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इन सारे रिएक्शंस का रिज़ल्ट क्या होता है, इस पर हम पर और हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है? अगर हम उनकी सारी बातें यूँ ही मानते चले जाएं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी डिमांड्स कंट्रोल हो जाएंगी? नहीं, आगे जाके ये डिमांड्स बढ़ती जाएंगी, इतनी कि फिर हमारे लिए वो हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, जैसे जैसे वे बड़े होते जाएंगे उनकी डिमांड्स और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी। और यदि हम उनसे बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं, जैसे कि अगर डांटते हैं या मारते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात ना सुनते हैं ना समझते हैं, तो हो सकता है कि आगे से वे हमसे कुछ बातें शेयर ही ना करें। यदि हम उनसे बिजनेस करते हैं या कोई चीज़ के बदले में उनसे कुछ अच्छा करवाते हैं, तो ये वाली चीज़, ये वाली जो प्रवृत्ति है बिज़नेस की, ये उनके नेचर बन जाएगी और वे भी हमारे साथ आगे जाकर बिज़नेस ही करने लगेंगे। फिर वे कोई भी अच्छा काम आगे जाकर बिना कीमत के नहीं करने वाले। और यदि हम कंपैरिजंस करते हैं, तो कंपैरिजन करने से क्या होता है? ये तो हमारे रिलेशन के लिए, हमारे और हमारे बच्चों के रिलेशन के लिए और उनके नेचर के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिससे हम उनका कंपैरिजन करते हैं, उसके लिए उनके मन में हमेशा के लिए एक ईर्ष्या, एनवियसनेस डेवलप हो जाती है, जिससे कि आगे जाके गुस्सा, इवन फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एन्जाइटी, ये सब डेवलप होगा। और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि मम्मी पापा शायद हमसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए तो उन्हें कोई और पसंद आते हैं बच्चे, हमें वे इतना पसंद नहीं करते, एंड यू नो दैट इज़ रियली वेरी डिज़ास्ट्रस फॉर आर रिलेशनशिप विद देम। तो फिर हम आखिर करें क्या? हमारे शास्त्रों में, जैसे कि भगवद गीता, भागवतम, इन सब में ऐसी कई सारी बातें लिखी हैं जिनको अगर हम बहुत ही अच्छी तरह सावधानीपूर्वक पढ़ें, समझें और अपने जीवन में धारण करें, तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में निकल सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, कि इस समस्या के लिए हमसे क्या कहना चाहते हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तो हमें खुद को कन्विंस होना पड़ेगा कि सारी बातें मानते जाना, सारी जो भी ज़िद है उसको पूरा करते जाना, जो है वो आग में घी डालने के समान है। श्रीमद् भागवतम के 8वें कैंटो के 19th चैप्टर 21st श्लोक में बलि महाराज से वामन देव कहते हैं कि इस संसार की सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें यदि किसी को दे दी जाएं, तो वह भी उसे संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। सारी जिद मानते जाना उसे बढ़ावा देना ही होगा। स्टेप नंबर टू, स्टॉप ब्राइबिंग एंड कंपैरिजंस। ब्राइब करने से होगा क्या? इसके बदले में ये लेके देंगे, ये कर दो तो ये लेके देंगे, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ें, कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएं आपको, तो आप एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस समझाइए, उनको बताइए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इट्स फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। हम उनसे जो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी जस्ट एक्सपेक्ट अ गुड कैरेक्टर फ्रॉम देम। सो स्टॉप ब्राइबिंग देम, स्टॉप डूइंग बिजनेस विद देम,
और रही बात कंपैरिजन्स की, तो क्यों कंपेयर करें हम उन्हें किसी को किसी और से। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इन हिज ओन वे। और वैसे भी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में समान भाव से भगवान बैठे हैं, तो फिर ये कंपैरिजन्स हम क्यों करें। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। एंड नाउ द फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3, डू अ फ्रेंडली डिस्कशन विद देम, अ डिस्कशन अबाउट द एक्शंस एंड देयर रिजल्ट्स, बट एज पर स्क्रिप्चर्स। एज इन भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 22 भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नयते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुध। ये जो भौतिक इंद्रियों का संसर्ग है, दैट इज द कॉन्टैक्ट ऑफ आवर सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट ऑफ आवर आइज विथ वट एवर इट लाइक्स, लाइक मूवीज, दिस मोबाइल एंड यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल दीज थिंग्स, जो इन आइज को बहुत अच्छा लगता है। अनदर एग्जाम्पल लाइक टंग, हमारी जीभ को क्या पसंद है, रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल्स में जाना, टेस्टी फूड, पार्टी फूड, जंक फूड। सो दिस कॉन्टैक्ट ऑफ आवर सेंसेज, मटीरियल सेंसेज विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स इज डिजास्ट्रस फॉर अस, इज वेरी हार्मफुल। हो सकता है अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में आगे जाकर के ये दुख का कारण है। और जो बुद्धिमान होते हैं, भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुध, जो बुद्धिमान होते हैं वह इन सब में रमण नहीं करते, इन सब का एसोसिएशन नहीं करते। सो लेट्स सी इट विद एन एग्जाम्पल, लेट्स सी किस तरह से ये जो भौतिक इंद्रियों का, हमारी सेंसेस का, सेंस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट है, ये दुख का कारण कैसे बनता है। मोबाइल एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है, खास करके अभी के टाइम में, इस डिजिटल इंडिया में, स्पेशली इस लॉकडाउन में, तो सारा काम ही मोबाइल पर होता है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई या कुछ वेब सर्फिंग एंड ऑल, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में बच्चों के लिए। लेकिन क्या पढ़ाई की आड़ में या स्टाइल स्टेटमेंट के लिए या सिर्फ पीयर प्रेशर में आकर के ज़रूरत से पहले, समय से पहले उन्हें मोबाइल दिला देना सही है? क्या इसके रिएक्शंस, इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं वे उनके लिए अच्छे होते हैं? नहीं। ये बच्चे हमारे न सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेशन ख़राब करते हैं, बल्कि उनकी आईज़ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और हो सकता है कि धीरे धीरे उन्हें इस मोबाइल का इतना एडिक्शन हो जाए कि वे अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना आईसाइट, अपना इंटेलिजेंस, अपना थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सब कुछ खो दें। और हो सकता है कि थोड़े टाइम में हमारी बात सुनना तक बंद कर दें, उन्हें मोबाइल इतना ज़्यादा पसंद आने लगे। तो फिर हुई ना वही बात, भगवान ने क्या कहा था कि यही कॉन्टैक्ट दुख का कारण है। तो जो चीज़ आज हमें बहुत ही अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि आगे जाकर के उसके बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। हो सकता है कि आगे जाकर के लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें दिखें। ये सारी चीज़ें हमें मटेरियल लेवल पर सुख देती प्रतीत ज़रूर होती हैं, पर हमारी आत्मा से इन सब का कोई लेना देना नहीं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूरी है कि हम हमारी आत्मा के, हमारी सोल की ज़रूरतों को ध्यान में रखें, न सिर्फ शरीर की ज़रूरतों को। जो पर ज़बरदस्ती अपनी राय थोपना या उन्हें हर बात के लिए मना कर देने की बजाय, ये अच्छा होगा कि हम उनके साथ बैठकर फ्रेंडली तरीके से शास्त्रों पर डिस्कशन करें, शास्त्रों के निर्णय, उनके निर्देश, उनके जो कंक्लूजन्स हैं उन पर बैठकर के हम डिस्कशन करें, ताकि वे हमेशा संतुष्ट रहना सीखें और इन छोटी छोटी शॉर्ट टर्म मटीरियल लेवल की, बॉडी लेवल की चीज़ों पर ध्यान देना और उनके लिए ज़रूरत और आवश्यकता से ज़्यादा ज़िद और परिश्रम करना छोड़ें, और थोड़ा सा अपना ध्यान जो है अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, अपने सोल के डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, और अपने लिए खुद एक गोल डिसाइड करें और उसके लिए एक सही रास्ता चुन सकें। हरे कृष्णा।